today's topic, hobby or hobbies. Second word is interest or interests, whatever you say. Sometimes during the interviews, एक सवाल जरूर पूछा जाता है कि अगर पूछ लेते हैं what are your hobbies या फिर पूछ लेते हैं what are your interests. So first of all, there is a difference between interest and hobby. इसके ऊपर आप से कहूँगा कि आज का टॉपिक है और इसमें आप बिल्कुल बने रहिएगा कि जो हॉबी होती है वो होती है अपने मज़े के लिए फ्री टाइम पे जो काम हम करते हैं. ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, फ्री टाइम, ठीक है, उस टाइम पे आप करते हैं. और जो इंटरेस्ट होता है उसके लिए आप फ्री टाइम का वेट नहीं करते, उसके लिए आप टाइम निकालते हैं, वो आपका इंटरेस्ट होता है, ठीक है. हॉबी काइंड ऑफ लाइक आई जस्ट से दैट कि मैं अपनी क्लासेस लेता हूँ, मतलब मान लेता हूँ कि मैं रेगुलर टीचर हो गया एंड आई टीच डेली, और मुझे जब भी फ्री टाइम मिलता है तो पता चला मैंने टीवी ऑन कर लिया. वन ऑफ द हॉबीज इफ आई टॉक अबाउट, ज़्यादातर लोगों की हॉबीज़ में वॉचिंग टीवी होता है. आजकल स्पेशली लॉकडाउन ने तो एक नया वर्ड क्रिएट कर दिया, नहीं वैसे तो बहुत लंबे टाइम से वो वर्ड चल रहा है, बट अभी वो बहुत ट्रेंड में चल रहा है, दैट्स कॉल्ड बिंज वॉच. अच्छा, जब भी आप इसके सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो आपको वॉच की सेकेंड थर्ड फॉर्म बनानी है, वॉच्ड, वॉच्ड, मतलब बिंज वॉच, बिंज वॉच्ड, बिंज वॉच्ड, बिंज वॉचिंग, इसका ध्यान रखिएगा. इस तरीके से आप इस वर्ड को आप यूज़ करेंगे. सो इसका मतलब क्या होता है बिंज का? एक्चुअली सिर्फ अगर आप सिर्फ बिंज वर्ड को अगर बाहर निकाल के उसके बारे में सीखेंगे तो बिंज वर्ड का मीनिंग होता है टू ईट समथिंग इन अ लार्ज अमाउंट. कोई भी चीज़ जब आप बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में खाते हैं तो इसका मतलब होता है बिंज करना. क्लियर? अगर आप किसी भी चीज़ को देखते हैं स्पेशली टेलीविजन पे और आप उसको लगातार उसके कई एपिसोड्स जो होते हैं वो एक साथ निपटा देते हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें कि आजकल वेब सीरीज़ का ज़माना चल रहा है, आई होप आपको पता होगा कि जब किसी के ज़माने की बात चल रहे हो आप कह रहे हो कि आजकल इस चीज़ का ज़माना है, तो दे आर इन फैशन बोल सकते हो या दे आर इन करके भी छोड़ सकते हैं सेंटेंस. सो ऑफ कोर्स, सो काफ़ी टाइम से क्या चल रहा है आजकल, वेब सीरीज़ आर इन. कि आप जब अपनी हॉबी बता रहे होते हैं तो वो आपका फ्री टाइम होता है. फ्री टाइम के लिए एक वर्ड और चलता है इंग्लिश में, दैट इज़ कॉल्ड लीजर या फिर लेजर. सो आप लेजर या लीजर वर्ड यूज़ कर सकते हो, एंड द स्पेलिंग इज LEISURE. तो इसका मतलब भी फ्री टाइम है, ठीक है. अच्छा, जब अपनी हॉबीज़ या कोई भी काम जिसे आप करना पसंद करते हैं और उसके लिए आप जब सेंटेंसेस बनाते हैं तो सबसे कॉमन जो वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड लाइक. तो आप लाइक वर्ड यूज़ कर सकते हो, जैसे आई लाइक. अच्छा, जब आप लाइक वर्ड यूज़ करते हैं तो ग्रामर के दो स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं. एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कहते हैं कि लाइक के बाद आप जो भी एक्शन, जो भी वर्ब आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आप प्लस ING फॉर्म लगा दीजिए, उसकी ING ऐड कर दीजिए, उसके बाद वो सेंटेंस बोल लीजिए. लाइक आई लाइक वॉचिंग, आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक कुकिंग, आई लाइक, उसके बाद जो भी आप वर्ब, जो भी आप एक्शन यूज़ कर रहे हैं उसकी फर्स्ट फॉर्म में आप ING यूज़ करिएगा, इट इज़ अ मस्ट. ये पहला रूल है लाइक वर्ड के साथ यूज़ करने का. इसके अलावा इसका दूसरा तरीका होता है कि लाइक के बाद आप टू लगा दीजिए, TO2, और उसके बाद जो भी वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर लीजिए, मतलब दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग एक ही निकल के आएगा. आई लाइक कुकिंग न्यू डिशेज, आई लाइक टू कुक न्यू डिशेज, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक टू वॉच मूवीज, आई लाइक वॉचिंग मूवीज. सो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. फाइन, अपनी हॉबीज़ बताने के लिए पहला से सबसे कॉमन तरीका है वो लाइक वर्ड यूज़ करते हैं. द सेकेंड वन वो है आप लाइक को हटा दीजिए और उसकी जगह उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड ले लीजिए, एंड दैट इज़ कॉल्ड लव. बिल्कुल सिंपल, लव को मैं यूजुअली व्हेन जब मैं अपनी या तो ऑफलाइन क्लासेस लिया करता था, आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ. सो इन माई ऑनलाइन क्लासेस ऑफकोर्स आई डू मैंशन इट कि लाइक का स्क्वायर अगर आपको बनाना हो तो आप लव वर्ड यूज़ करिए. मीनिंग वही है बट आपने उसको महत्व ज़्यादा दे दिया, इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे दी, यानी कि आई लव वॉचिंग क्रिकेट मैचेस, आई लव टू वॉच क्रिकेट मैचेस. वही लाइक का रूल, वही लव का मतलब. आई लव कुकिंग फूड, आई लव टू कुक फूड, आई लव टू टेक फोटोज, आई लव टेकिंग फोटोज, आई लव ट्रैवलिंग,
आई लव टू ट्रेवल. सो जो आप चाहें वो तरीका अपनाइए ना. थर्ड वे, अब थोड़ा बेहतर करते हैं अपने आप को और बेहतर की तरफ जाते हैं. ये जो दो तरीके थे ये सबसे कहूँ तो मोस्ट कॉमन है जो नॉर्मली लोग बोल लेते हैं जब वो अपनी लाइकिंग्स के बारे में बात करते हैं, अपनी हॉबीज़ को बता रहे होते हैं. क्लियर. इसके अलावा आप एक वर्ड यूज़ करते हैं अडोर, ADORE, अडोर, टू टेल अबाउट योर लाइकिंग्स. सो आप अपने जब लाइकिंग्स बताएं तो आप अडोर वर्ड यूज़ करिए, लाइक एंड लव हटा दीजिए. ये और अच्छा वर्ड है और भी स्ट्रॉन्ग वर्ड बोलूँगा, कम सुनाई देता है. आपने आप यू नो अगर आपको किसी वर्ड के बारे में बहुत अच्छी सर्च करनी हो ना कि ये वर्ड कैसा है, तो आप समझ जाइए आपने अपने आसपास में कितने लोगों को अडोर वर्ड यूज़ करते हुए सुना है. कितने लोग बोलते हैं आई अडोर कुकिंग. नो, लाइक के पीछे पड़े हुए, पकड़ा एक वर्ड उसी को लगातार बोलते जाते हैं. सो आई अडोर कुकिंग, बिल्कुल बोलिए. सो आई अडोर ट्रैवलिंग, आई अडोर जो भी चीज़ें हैं. ठीक है, मैं एक्शंस के बारे में बात कर रहा हूँ, जितने भी वर्ब्स हैं, क्योंकि हॉबीज़ की बात कर रहा हूँ. हॉबीज़ मतलब जो भी काम करने हैं मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ. सो अडोर के बाद आप जो भी वर्ब ले रहे हैं उसमें ING ज़रूर लगाइएगा. आई अडोर ट्रैवलिंग, आई अडोर, जैसे मैं यूजुअली बताता हूँ कि मुझे स्केच करना बहुत पसंद है, तो आई अडोर स्केचिंग. क्लियर. सो आई कैन यूज़ अडोर वर्ड. देन इसके अलावा फोर्थ वर्ड है इन्जॉय. इट्स अगेन अ ब्यूटिफुल वर्ड, नॉर्मली लोग यूज़ नहीं कर पाते, तो आप लाइक और लव की जगह इन्जॉय वर्ड यूज़ करिए. बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति कह रहा है आई इन्जॉय वॉचिंग क्रिकेट मैचेस, इफ़ समबडी सेज आई इन्जॉय गार्डनिंग, आई इन्जॉय वर्किंग आउट, आई इन्जॉय डूइंग योग या फिर योगा, अगर आप में से कोई अगर ये बोले कि सर क्या योग सही है, क्यों नहीं सही है, इंडिया से निकला हुआ शब्द है, योग बोलते हैं उसको. सो ऑफकोर्स आप योग बोल सकते हैं. योगा आपका मन करता है आप योगा बोलिए. मैं इतने सालों से क्लासेस ले चुका हूँ, 18 ईयर से मैं योग ही बोलता आ रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो आप इन्जॉय वर्ड यूज़ करिए, आप अडोर वर्ड यूज़ करिए, आप लाइक वर्ड यूज़ करिए अपनी पसंद बताने के लिए, हॉबीज़ बताने के लिए, और लव वर्ड यूज़ कर लीजिए. इसके अलावा एक वर्ड यूज़ होता है, उसको बोलते हैं फोंट, FONDT, फोंट. अच्छा, ये बाकी शब्दों से डिफरेंट क्यों है? जो चार शब्द अभी हमने डिस्कस किए, लाइक, लव, अडोर एंड इन्जॉय, इन चारों चीज़ों में एक कॉमन चीज़ है, ये चारों के चारों वर्ब्स हैं, ये चारों एक्शंस हैं. बट जो फोंड वर्ड होता है FONDT, फोंड वर्ड, ये एक्शन वर्ड नहीं है, मतलब ये वर्ब नहीं है. सो आई फोंड नहीं बोल सकते आप. तो ये क्या है, ये आपकी एक एडजेक्टिव होती है. सो इसके लिए आपको इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको एम लगाना पड़ेगा. प्रेजेंट में बात कर रहे हैं समय, आई एम फोंड, यानी एम इसमें आना, इट्स अ मस्ट. अच्छा, आपने लाइक के साथ एम लगा दिया, आई एम लाइक, गलत हो जाएगी इंग्लिश, बिकॉज यू नो दैट कि आप जब सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाते हैं तो उस समय आप एम के साथ किसी भी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते. आई एम फोंड. अच्छा, फोंड वर्ड के बाद ऑव प्रीपोजिशन लगाना बहुत ज़रूरी है. अगर आपने ऑव के बिना सेंटेंस बनाया है तो आपकी ग्रामर की मिस्टेक हो जाएगी. जैसे आई एम फोंड प्लेइंग क्रिकेट, गलत हो गया, अब फोंड लगाना पड़ेगा. आई एम फोंड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, आई एम फोंड ऑफ कुकिंग, आई एम फोंड ऑफ स्केचिंग. सो हॉबीज़ पे बात करना एक बहुत अच्छा स्टार्टर हो सकता है उन लोगों के लिए जिन्हें बात करना शायद शुरू करना नहीं आता. कॉन्वर्सेशन कैसे शुरू करते हैं, तो एक बहुत अच्छा स्टार्टर हो सकता है आपके लिए जब आप किसी अनजान स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो. जैसे मेरी क्लासेस में होता है, जब मैं कहूँ कि आपको किसी स्ट्रेंजर से अपने क्लास में व्यक्ति से बात करनी है, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द हॉबीज़. हर इंसान को अपनी हॉबीज़ पर बात करना बड़ा पसंद है, तो आप क्या करें, क्वेश्चंस बनाइए. सिंपलेस्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो सबसे है व्हाट इज़ योर हॉबी. अगर आप किसी की एक हॉबी जानना चाह रहे हैं, नॉर्मली व्यक्ति की एक हॉबी नहीं होती, पूछ तो सकते हो वैसे व्हाट इज़ योर हॉबी, बट नॉर्मली मुझे लगता है कॉमन सेंस कहता है कि व्यक्ति से पूछा जाना चाहिए व्हाट आर योर हॉबीज, बिकॉज जब भी फ्री टाइम होता है तो इंसान अलग अलग काम करना पसंद करता है, तो व्हाट आर योर हॉबीज. क्लियर. अच्छा, जो भी काम आपको पसंद है, आपने बता दिया, मैंने कहा आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टेलीविजन. दुनिया के ज़्यादातर सिटीज़ में ऐसा है कि जैसे ही शाम होती है लोग यूजुअली यूथ जो हैं वो अपने घर से बाहर आ जाएंगे और उसके बाद करना क्या शुरू करते हैं, चलो भैया निकल पड़ते हैं घूमने फिरने. अब घूमने के दो तरीके, या तो आप वॉक करना शुरू करते हैं, ठीक है, बस ऐसे प्लेजर के लिए वॉक करना, इसको स्ट्रॉल कहते हैं, STROLL. तो आप स्ट्रॉल करना शुरू करते हैं, आप अपने कॉलोनी में स्ट्रॉल कर सकते हैं या फिर आप कहीं बाहर चले गए, ठीक है. दूसरा तरीका है कि आपने अपनी गाड़ी उठाई, आपने कहा चल यार घूमने आते हैं,
कई लोग कहते हैं तफरी मार के आते हैं, मीन्स आपने डायरेक्शन तय नहीं किया कि किस डायरेक्शन में जाना है हमें ना, कोई डिसाइडेड नहीं कि मुझे इसी डायरेक्शन में, अरे घर पे बैठ के बोर हो रहा, निकलो यहाँ से, बस यहाँ से निकलो, इसको कहते हैं रोम, ROAM, तो रोम करते हैं कई लोग, और रोम के साथ बहुत जगहों पे अराउंड वर्ड भी यूज़ होता है, तो यू कैन यूज़ दिस वर्ड रोम अराउंड। अच्छा, जहाँ पे भी आप करते हैं एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है यहाँ पे, कि जब भी आप किसी जगह पे रोम करते हैं तो गलती से इन मत लगा देना कि यहाँ पे तफरी मारते हैं ना, तो मे मत देखना, जैसे कई लोग गलियों में तफरी मारते हैं, तो इसका मतलब दे रोम द स्ट्रीट्स, ठीक है, दे रोम अराउंड द स्ट्रीट्स। व्हाट आर योर हॉबीज, यू आंसर्ड मी, मैंने इसके बारे में एक नेक्स्ट सवाल पूछ लिया, हाउ ऑफन, ऑफ्टन भी बोल सकते हैं, ऑफन भी यूज़ कर सकते हैं, तो हिंदी में कहूँ तो कितनी बार, किसी भी काम को करने की जब आपको फ्रीक्वेंसी पता करनी होती है, सो आप ये तरीका अपना लेते हैं, तो हाउ ऑफन डू यू लाइक प्लेइंग चेस, आई लाइक प्लेइंग चेस एवरी संडे, ठीक है, सो इसका मतलब हर संडे को आप निकालते हैं, एवरी वीकेंड, आई लव, जो भी आप काम करना पसंद करते हैं बताना चाहें, ऑफन के बारे में बात हो रही है, वंस अ वीक बोल सकते हैं, ट्वाइस अ वीक बोल सकते हैं, वंस अ मंथ बोल सकते हैं। अब आते हैं इंटरेस्ट वर्ड पे, इसकी डेफिनेशन मैंने बताई थी, एनीथिंग विच, जिसको आप करते हैं और उसके लिए आप एग्जैक्टली टाइम निकालते हैं, आप फ्री होने का वेट नहीं करते, आपको जैसे मैं बताऊँ, मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ, बट मुझको ऐसा लगा कि यार कुछ टाइम निकाला जाए अपने इंटरेस्ट के लिए, जैसे मुझे ट्रैवलिंग करना पसंद है, मुझे ट्रैवलिंग बाइक से करना पसंद है, लॉन्ग राइड्स पे जाना पसंद है, मेरे इंटरेस्ट के बारे में आप बात बताते हैं या इंटरेस्ट के बारे में सेंटेंसेस बनाते हैं, तो आप तीन तरह के सेंटेंस बना सकते हैं इंटरेस्ट वर्ड से, द वन इज आई एम इंटरेस्टेड इन, द फर्स्ट वन इज आई एम इंटरेस्टेड इन, और उसके बाद उस वर्ब उस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में लेकर आप ing यूज कर लीजिए, आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग चेस, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चेस खेलना आपको पसंद, आई एम इंटरेस्टेड इन कुकिंग, क्योंकि आप सिर्फ इसलिए नहीं है कुकिंग में कि आपको सिर्फ वो एक हॉबी है, फ्री है तो आपने चलो घुस गया उसके अंदर, नहीं, आप चाहते हैं नई नई डिशेस बनाना, आप चाहते हैं उसके बारे में नॉलेज गेन करना कि एक्चुअली कि मेरा इंटरेस्ट है, मतलब आई एम इंटरेस्टेड इन कुकिंग। इसी सेंटेंस को मैं दूसरे तरीके से बोल सकता हूँ, आई हैव एन इंटरेस्ट, यहाँ पे याद रखना, जब मैं इंटरेस्टेड वर्ड यूज़ करता हूँ या कोई करता है इसको इंग्लिश में, अगर ग्रामेरियन मेरे सामने बैठा तो सर वो बोलेगा ये इंटरेस्टेड मतलब थर्ड फॉर्म लगी है एम के बाद, यस ऑफ कोर्स इट बिकम्स एन एडजेक्टिव, बाकी जो मेरी ऑफ क्लासेस ज्वाइन करते हैं उन्हें पता होगा ये कंडीशन है, ठीक है, सो आई एम इंटरेस्टेड इन कुकिंग। दूसरा, इंटरेस्ट को मैं एज अ नाउन यूज़ कर रहा हूँ, एक नाम की तरह यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने उसके आगे एन लगाया, आई हैव एन इंटरेस्ट इन कुकिंग, ये तरीका भी बोल सकते हैं, बात दोनों को कहने का ग्रामर का तरीका अलग है बट बात एक ही है, मेरा इंटरेस्ट है कुकिंग के अंदर। तीसरा, इंटरेस्ट को एज अ वर्ब यूज़ करते हैं एक्शन की तरह, कोई चीज़ अगर आपके अंदर रुचि पैदा करती है, वो चाहती हो आपके अंदर ये पैदा हो जाए, सो इट इंटरेस्ट्स, इसमें एस जरूर लगाना इफ़ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, तो कुकिंग इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट को अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो कुकिंग इंटरेस्ट्स मी, तो समझ गए आप, एक ही बात बोली मैंने लेकिन मैंने तीन अलग अलग तरीके अपनाए, और यही मैं आपसे कहता हूँ कि If you have variety, you make an impression. So make sure that कि आप इन चीज़ों को ज़रूर follow करिएगा। मैंने एक example दिया था सिर्फ cooking से, आप इसकी जगह कोई और भी activity ले लीजिए जो आपको पसंद आता हो, आपको poetry लिखना पसंद है ना, बिल्कुल बोलिए, I am interested in writing poetry, ठीक है, I have an interest in poetry, poetry interests me, working out interests me, doing yoga interests me. Thank you so much for being present into this session.